हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम क्लास 12 की जो बुक है फ्लेमिंगो, उसका पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, द लास्ट लेसन। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, रिलेशन बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स के बारे में है। बहुत ही कमाल का लिखा है। तो सबसे पहले इस चैप्टर का एक ओवरव्यू देख लेते हैं, एक शॉर्ट समरी, ये थीम देख लेते हैं कि किस बारे में है। पर्शियन फोर्स यानी कि जो पर्शियन आर्मी है, उन्होंने ओटोवन बिस्मार्क, एक इंसान है जो बिस्मार्क के प्रिंस थे, किंग, उसके अंडर 1870 में फ्रांस के ऊपर अटैक कर दिया। सभी जर्मनी के लोग ने पर्शिया का साथ दिया और फ्रांस की हार हो गई। अल्सेस और लॉरेन नाम के दो डिस्ट्रिक्ट, फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट अल्सेस और लॉरेन, उसके दो डिस्ट्रिक्ट पर्शिया के हाथों में चले गए। न्यू पर्शियन रूलर्स ने इन दोनों डिस्ट्रिक्ट के स्कूलों में फ्रेंच लैंग्वेज का पढ़ाया जाना डिसअलाउड यानी कि बंद करवा दिया। इन स्कूलों के फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाने वाले टीचर को चले जाने के लिए कह दिया गया। इस स्टोरी में ऐसे ही एक फ्रेंच टीचर के अपने स्कूल में लास्ट डे को डिस्क्राइब किया गया है। वैसे वो टीचर जानते थे कि उनका ट्रांसफ़र हो चुका है और अब वो अपने पुराने स्कूल में और ज़्यादा नहीं रहेंगे। वो अपने स्टूडेंट को अपना लास्ट लेसन उतनी ही डिवोशन, लगन और सिंसियरिटी यानी कि श्रद्धा से, शिद्दत से पढ़ाते हैं जैसे वो हमेशा पढ़ाया करते थे। स्टोरी पूरी सिचुएशन की पैथोस यानी कि सैडनेस को डिस्क्राइब करती है। और मिस्टर हैमल, ये उस टीचर का नाम है, फ्रेंच टीचर जिसकी ये स्टोरी है, कि क्वाइट डिग्निटी यानी कि एक शांत गरिमा को भी दिखाती है ना। तो चलिए अब इस चैप्टर के बारे में कुछ जान लेते हैं, ओवरव्यू देख लेते हैं। ये एक स्कूल टीचर की कहानी है जो फ्रांस के एक डिस्ट्रिक्ट में फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाया करते थे। इस डिस्ट्रिक्ट को पर्शियन यानी कि जर्मन आर्मी ने जीत लिया था। इस डिस्ट्रिक्ट के सभी स्कूलों में फ्रेंच लैंग्वेज के पढ़ाए जाने को डिसअलाउड यानी कि बंद करवा दिया गया था। पढ़ाने वाले टीचर को अपने स्कूल छोड़कर चले जाने को कह दिया गया था। ये कहानी इसी तरह की एक टीचर द्वारा उसके द्वारा पढ़ाए जाने वाले लास्ट लेसन को डिस्क्राइब करती है। कहानी टीचर की क्लास के फ्रेंड्स, एक स्टूडेंट का नाम है, एक छोटे से स्टूडेंट के द्वारा ये स्टोरी बताई गई है। यानी कि जो फ्रेंड्स हैं, ये स्टूडेंट का नाम है, वो नरेटर है इस स्टोरी का। उस सुबह लिटिल फ्रेंच, तो जबी जबी हम ये स्टूडेंट का नाम लेंगे, उसका नाम हम लिटिल फ्रेंच ऐसे ऐसे बोलेंगे, लिटिल फ्रेंच, राइट। सो लिटिल फ्रेंच को स्कूल जाने में देरी हो गई थी। वो डरता था कि टीचर उसे डांटेंगे। वो इसलिए भी डरता था क्योंकि टीचर पार्टिसिपल्स, एक ग्रामर टॉपिक जो है, पार्टिसिपल्स के बारे में क्वेश्चन पूछने वाले थे और उसे उनके बारे में एक भी वर्ड नहीं आता था। लिटिल फ्रेंड्स को एक भी वर्ड नहीं आता था पार्टिसिपल्स के बारे में, इसलिए वो डरता था। लिटिल फ्रेंड्स के मन में भाग जाने और पूरे दिन को बाहर खुले में ही बिताने का विचार था। उसने खुले मैदान में पर्शियन सोल्जर्स को ड्रिल करते हुए देखा। उसे पार्टिसिपल्स के रूल की कंपैरिजन में ज़्यादा टेम्पटिंग यानी कि आकर्षित अच्छा लगा, तो भी वो जल्दी जल्दी स्कूल के लिए भाग लिया। अपने रास्ते में लिटिल फ्रेंड्स टाउन हॉल के पास से गुजरा। उसने बुलेटिन बोर्ड, वहाँ पे जो बुलेटिन बोर्ड जिसे हम नोटिस बोर्ड कहते हैं, उसके सामने लोगों की एक भीड़ को खड़े हुए देखा। जब लिटिल फ्रेंड्स अपने स्कूल पहुँचा तो सब कुछ बिल्कुल शांत था। वहाँ पहले जैसा कोई शोर नहीं था जैसे स्कूल में हुआ करता है। वहाँ इतनी शांति थी जितनी संडे की सुबह को होती है। उसके सभी क्लासमेट्स पहले ही अपनी अपनी सीटों पर बैठ चुके थे। टीचर मिस्टर हैमल ऊपर नीचे चक्कर काट रहे थे। उसने अपना टेरिबल आयरन रूलर, जिसे वो सबको डराया करते थे, एक लोहे का डंडा,
अंडर हिज आर्म यानी कि उनकी बाँह के नीचे रखा हुआ था। लिटिल फ्रेंड्स ने दरवाज़ा खोला और वो अंदर चला गया। वो बहुत डरा हुआ था लेकिन उसे बहुत हैरानी हुई जब मिस्टर हैमल ने बहुत प्यार से कहा, लिटिल फ्रेंड्स जल्दी से अपनी सीट पर चले जाओ। वाह, देर से आना फिर भी वेलकम, क्या बात है। लिटिल फ्रेंड्स ने देखा कि टीचर ने वन ऑफ हिज बेस्ट ड्रेसेस, अपनी सबसे बेस्ट ड्रेस पहनी हुई थी, बेहतरीन कपड़े पहने हुए थे। वो ड्रेस जो वो सिर्फ इंस्पेक्शंस या प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन वाले दिन को पहना करते थे। एंड बैक ऑफ द क्लास, और जो क्लास के पीछे की तरफ गांव के कुछ लोग, बूढ़े लोग खामोशी से बैठे हुए थे। हर एक व्यक्ति उदास दिखाई दे रहा था। लिटिल फ्रेंड्स हैरान था कि ये सब क्या था। मिस्टर हैमल इन अ वेरी ग्रेव एंड जेंटल टोन, एक बहुत ही गंभीर और हल्की आवाज़ में उन्होंने कहना शुरू किया, मेरे बच्चों, है ना, वो महाभारत में शकुनी मामा कहता है ना, मेरे बच्चों, ये लास्ट लेसन है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। बर्लिन से एक ऑर्डर मिला है कि अल्सेस और लॉरेंस के स्कूल्स में सिर्फ जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाए। नए टीचर्स कल आ जाएंगे, ये आपका फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन है। मैं चाहता हूँ कि आप बहुत ध्यान से सुने। अब पहली बार लिटिल फ्रेंड्स को अफसोस होने लगा कि वो अपने लेसन्स, फ्रेंच लैंग्वेज के लेसन्स सीरियसली नहीं लेता था। वो इसलिए भी उदास था कि वो मिस्टर हैमल को फिर कभी देख नहीं पाएगा। वो उसके रूलर और उसके क्रैंकी यानी कि स्ट्रेंज नेचर स्वभाव के बारे में सब बातें भूल गया। अब लिटिल फ्रेंड समझ गया कि मिस्टर हैमल ने किस लिए अपने सबसे बेहतरीन कपड़े पहने हुए हैं। वो ये बात भी समझ गया कि गांव के बुजुर्ग लोग यहाँ क्यों बैठे हुए थे। एक्चुअली वो मिस्टर हैमल की 40 साल की फेथफुल सर्विस, वफादारी भरी सेवा के प्रति अपना सम्मान, एक डिग्निटी, एक रिस्पेक्ट दिखाने के लिए वो वहाँ आए हुए थे। मिस्टर हैमल ने लिटिल फ्रेंड से कहा कि वो पार्टिसिपेंट्स का एक नियम बोलकर सुनाए। लिटिल फ्रेंड्स फर्स्ट वर्ड्स में ही उलझ गया लेकिन मिस्टर हैमल ने उसे डांटा नहीं। उसने सिर्फ इतना कहा, यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, आप फ्रेंच होने का ढोंग करते हैं और फिर भी आप अपनी भाषा ना बोल सकते हैं और ना ही लिख सकते हैं, लेकिन लिटिल फ्रेंड्स तुम सबसे बुरे नहीं हो, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, हम सब के पास खुद को कोसने के लिए बहुत कुछ है। फिर मिस्टर हैमल ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में डिटेल से बात की और कहा कि इट वॉज द बेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, ये दुनिया की सबसे बेस्ट लैंग्वेज है। मिस्टर हैमल ने ग्रामर की बुक खोली और क्लास को अपना लास्ट लेसन समझाया। लिटिल फ्रेंच को ये देखकर हैरानी हुई कि इसका हर एक वर्ड उसे समझ में आ रहा था। मिस्टर हैमल ने हर एक बात को बहुत पेशेंस के साथ समझाया। ग्रामर के बाद उसने लिखने की, राइटिंग की एक प्रैक्टिस करवाई। इस दौरान स्टूडेंट अपने लिखने के काम में बिजी थे। मिस्टर हैमल एक छोटी सी क्लास के कमरे में हर एक चीज़ को वो बहुत ध्यान से टकटकी लगाए देख रहे थे। ऐसा लगता था कि मानो वो हर चीज़ को अपने मन में फिक्स कर लेना चाहते थे, बिठा देना चाहते थे, इसलिए वो ध्यान से देखते थे। ये सोचकर उनका दिल ज़रूर से टूट गया होगा कि उसे ये सब कुछ छोड़कर जाना होगा। अचानक चर्च की घड़ी में 12 बजने की आवाज़ आई। मिड डे प्रेयर, दोपहर की जो प्रार्थना होती है उसकी आवाज़ सुनाई दी। उसी टाइम पर्शियन सोल्जर्स के ट्रम्पेट्स, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ सुनाई दी, जो ड्रिल से लौट रहे थे। मिस्टर हैमल कुछ कहने के लिए उठे लेकिन वो बोल नहीं पाए। इमोशंस यानी कि फीलिंग्स के कारण उनका गला भर आया था। उन्होंने चौक का एक टुकड़ा लिया और ब्लैक बोर्ड के ऊपर जितने बड़े बड़े हैंड राइटिंग में वो लिख सकते थे उन्होंने लिख दिया, लॉन्ग लिव फ्रांस, आप अनंत काल तक जिंदा रहे, फ्रांस की जय हो। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थी आपकी स्टोरी जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। बिफोर वी स्टार्ट दिस चैप्टर आई वुड सजेस्ट कि आपके जितने भी टीचर्स हैं जिसमें से आपको सबसे बेस्ट टीचर जो लगते हैं, जो आपके फेवरेट टीचर है, आप उनको आज कॉल करें और अपने दिल में
जो भी उनके लिए रिस्पेक्ट है वो उन्हें बताएं, है ना, उनको अच्छा लगेगा। चलिए तो अब चैप्टर शुरू करते हैं। उस सुबह मैं स्कूल के लिए बहुत देर से चला और मुझे डांट पड़ने का बहुत डर लग रहा था। स्पेशली इसलिए क्योंकि मिस्टर हैमल ने कहा था कि वो पार्टिसिपल्स यानी कि ग्रामर का एक टॉपिक है, उसके बारे में वो हमसे क्वेश्चन पूछेंगे। एक पल के लिए मेरे मन में विचार आया कि मैं वहाँ से भाग जाऊँ और पूरा दिन स्कूल से बाहर ही गुजार दूँ। मौसम बहुत ही गर्मी वाला वार्म था और दिन बहुत ही ब्राइट था। जंगल के छोर पर बर्ड्स चिरपिंग यानी कि चहचहा रहे थे और 100 मील जो आरा मील होती है उसके पीछे की तरफ खुले मैदान में पर्शियन सोल्जर्स ड्रिल कर रहे थे। ये सब पार्टिसिपेंट्स के रूल्स के कंपैरिजन में कहीं ज़्यादा टेम्पटिंग यानी कि आकर्षक लग रहा था, लेकिन मुझ में इसका विरोध करने के लिए इतनी ताकत नहीं थी, इतनी शक्ति नहीं थी, स्ट्रेंथ नहीं थी मेरे पास कि मैं स्कूल से बंक मार के चला जाऊं। और मैं तेज़ी से स्कूल की तरफ चल दिया। जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा तो वहाँ नोटिस बोर्ड के सामने लोगों की एक भीड़ थी। पिछले 2 सालों से हमारे सभी बैड न्यूज़ वहीं से आते थे। सारे बैड न्यूज़ उस नोटिस बोर्ड पे लगे होते थे और पढ़ के ज़्यादातर वही होता था, जैसे कि हारी गरी, जो भी हमने लड़ाइयाँ हारी, बैटल्स हारी है उसके न्यूज़, रिक्रूटमेंट्स सेना में भर्ती होने का, फिर कमांडिंग ऑफिसर के ऑर्डर्स और कई सारे ऐसे न्यूज़। मैंने वहाँ बिना रुके अपने मन में सोचा, अरे यार अब क्या बात हो गई हो सकती है। जब जितनी जल्दी वहाँ से मैं गुजर सकता था मैं वहाँ से उतनी तेज़ी से निकल गया। तो ब्लैक स्मिथ वॉचर वॉचर जो होता है नाम है, वॉचटर और ऐसा कुछ नाम है, जो लोहार है, वॉचटर या वॉचटर नाम है उसका, जो वहाँ अपने अप्रेंटिस कुछ टपोरी लोगों के साथ, है ना, अप्रेंटिस जो सीखते हैं ना उनके लोगों के साथ वहाँ पर वो था और वो बुलेटिन बोर्ड यानी कि नोटिस बोर्ड की रिपोर्ट पढ़ रहा था। उसने मुझे पीछे से पुकारते हुए कहा, इतने तेज मत जाओ लड़के, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम बहुत टाइम रहते अपनी स्कूल पहुँच जाओगे, डोंट वरी। मैंने सोचा वो मेरा मजाक उड़ा रहा था और मिस्टर हैमल के छोटे से गार्डन तक मैं पूरा हाँफता हुआ पहुँच गया। यूजुअली जब स्कूल शुरू हुआ करता तो वहाँ बहुत चहल पहल हुआ करती थी जिसे बाहर गली से सुना जा सकता था। डेस्क जो होती है उनका खुलना और बंद होना, लेसन्स का एक साथ मिलकर सबका दोहराना, रिसाइट करना, बहुत ऊंची आवाज़ में अपने हाथों को अपने कानों पर रखते हुए ताकि बेहतर समझ में आए, और टीचर का बड़ा सा डंडा टेबल के ऊपर टक टक की आवाज़ करते हुए ऐसे। लेकिन अब तो सब बिल्कुल शांत था, बिल्कुल उल्टा था। जब वहाँ पे फ्रेंड्स पहुँचा तो वहाँ पे बिल्कुल शांति थी। मैंने इस बात का सपोर्ट लिया हुआ था कि मैं जब भी स्कूल पहुँचूँगा तो वहाँ पे भगदड़ होगी, इतनी भीड़ होगी तो मैं अपने क्लास में जाकर बैठ जाऊँगा, किसी को पता नहीं चलेगा, हैं, भीतर ही किसी को पता नहीं चलेगा और मैं अपने डेस्क तक पहुँच जाऊँगा। लेकिन उस दिन ऑफकोर्स हर एक चीज़ को उतना ही शांत होना था जितने संडे की सुबह को होता है। खिड़की में से मैंने देखा कि मेरे क्लासमेट्स पहले ही अपनी जगह पर बैठे हुए थे और मिस्टर हैमल अपना टेरिबल आयरन रूलर, है ना, वो एक लोहे का डंडा अपनी बाजू के नीचे दबाए हुए ऊपर नीचे चक्कर काट रहे थे। मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा और सबके सामने अंदर जाना पड़ा। आप सोच सकते हैं कि मुझे कितनी शर्म आई होगी, कितना डर लगा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मिस्टर हैमल ने मुझे देखा और बहुत ही काइंडली, बहुत प्यार से कहा, जल्दी से अपनी जगह जगह पर चले जाओ लिटिल फ्रेंड्स, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। वाह सरप्राइज। मैं बेंच के ऊपर से कूदा और अपनी डेस्क पर बैठ गया। जब मैंने अपने डर पर थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया था तब तक मेरी नज़र इस बात पर नहीं गई थी कि हमारे टीचर ने अपना ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, सबसे सुंदर हरा वाला कोट, अपनी जालीदार शर्ट और छोटी सी काले रंग के सिल्क की टोपी पहनी हुई थी जिस पर पूरी एम्ब्रॉयडरी की गई थी। और ये कपड़े
जिसे वो सिर्फ इंस्पेक्शन और प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन वाले दिनों के अलावा कभी नहीं पहने थे। इसके अलावा पूरा स्कूल बहुत स्ट्रेंज, बहुत ही अजीब और सीरियस लग रहा था। लेकिन जिस बात से मुझे सबसे ज़्यादा हैरानी हुई वो ये देखकर थी कि पीछे वाली बेंचेस पर, जो बेंचेस हमेशा खाली रहा करती थी, गांव के कुछ लोग हमारी तरह खामोश बैठे हुए थे। गांव के कुछ बूढ़े लोग पीछे की बेंचेस में बैठे हुए थे, अपना थ्री कॉर्नर हैट पहने हुए बूढ़ा हाउसर, फॉर्मर मेयर, फॉर्मर पोस्ट मास्टर और इसके अलावा कई दूसरे व्यक्ति उदास लग रहे थे। और हाउसर एक ओल्ड प्राइमर कायदा लेकर हुआ आया हुआ था और जो किनारे पर अंगूठे के निशान से वो गंदा हुआ पड़ा था, और उसने इसे खोलकर अपने नीज पर, घुटनों पर रखा हुआ था। इसके बड़े बड़े स्पेक्टिकल्स इसके पन्नों के अंदर पड़ा हुआ था। जब मैं इस सब के बारे में सोच ही रहा था, मिस्टर हैमल अपनी कुर्सी पर जा बैठे और इसी, जिसे कहते हैं ना, उसी ग्रेव यानी कि गंभीर और जेंटल, बहुत ही प्यारी सी आवाज़ से उन्होंने मेरे साथ इस्तेमाल किया गया जब वो आया था, जब वो एंटर हुआ था, तभी प्यार से बात की थी, उसी तरह से बात की। और वो कहने लगे, मेरे बच्चों, है ना, ये तो मजाक है, बहुत प्यार से बताया, मेरे बच्चों, ये लास्ट लेसन है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। बर्लिन से ऑर्डर आया है कि अल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में सिर्फ जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएगी। नए टीचर कल आ रहे हैं। ये आपके फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन है। मैं चाहता हूँ कि आप बड़े ध्यान से सुने। ये वर्ड्स मेरे लिए किसी बिजली की कड़क की तरह थी। वो व्रेचेस, दुष्ट लोग, यही बातें कर रहे थे जो टाउन हॉल पर लगा रखी थी। अब लिटिल फ्रेंड्स को याद आई कि हाँ, शायद वो नोटिस बोर्ड में यही बात लिखी होगी, मेरा लास्ट फ्रेंच लैंग्वेज का लेसन। अरे, मुझे तो लिखना भी मुश्किल से आता है, मैं कुछ और ज़्यादा सीख नहीं पाऊँगा, तब तो मुझे वो बंद कर देना चाहिए। ओह, मुझे कितना दुख हो रहा था, मैं अपने लेसन याद नहीं किया करता था। मैं बर्ड्स के अंडे ढूंढता रहता था, या सार, जो एक रिवर का नाम है, उस पर घूमने के लिए चला जाया करता था। मेरी बुक्स, जो कुछ ही पल पहले मुझे एक बड़ी सिरदर्द लग रही थी, उठाने में इतनी ही भारी लग रही थी, मेरे ग्रामर की बुक और मेरे सेंट्स की हिस्ट्री वाली बुक, अब मुझे मेरे पुराने दोस्त लगने लगी थी, जिन्हें मैं छोड़ नहीं सकता था, और मिस्टर हैमल भी। उसके बारे में ये विचार कि वो अब जा रहे हैं और मैं उसे फिर कभी नहीं देख पाऊँगा, इस विचार से मैं उसके रूलर के बारे में सब कुछ भूल गया, जिससे वो सबको डराया करते थे। मैं भूल गया उनके नेचर के बारे में कि वो कितने बुरे स्वभाव वाले हुआ करते थे। बेचारा आदमी, ये उसके लास्ट लेसन के सम्मान में था कि उसने अपने संडे के दिन वाले बढ़िया कपड़े पहने हुए थे। और अब मैं समझ गया था कि गांव के बूढ़े बुजुर्ग आदमी वहां कमरे के पीछे की तरफ क्यों बैठे हुए थे। इसका कारण यही था कि वो उदास भी थे, जो वो ज़्यादा बार स्कूल नहीं आया करते थे। ये उनका एक तरीका था हमारे टीचर का धन्यवाद करने का, थैंक यू कहने का, उसकी फेथफुली 40 साल की सर्विस के लिए और उस देश के प्रति उनका सम्मान दिखाने के लिए जो अब उनका नहीं रहा था। जब मैं इसके बारे में सोच रहा था तो मुझे मेरा नाम पुकारा गया, सुनाई दिया। अब लेसन सुनाने की बारी मेरी थी। उस ड्रेडफुल यानी कि भयानक रूल को बहुत ऊंचे और क्लियर आवाज़ में, बिना कोई गलती किए और पूरे का पूरा कह पाने के लिए मैं क्या देने को तैयार नहीं था, लेकिन मैं पहले ही वर्ड्स में उलझ गया और वहाँ खड़ा रहा अपने डेस्क को पकड़े हुए। मेरा दिल धक धक कर रहा था और मैं ऊपर की तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मैंने मिस्टर हैमल को मुझसे कहते हुए सुना, डोंट वरी, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं लिटिल फ्रेंड्स, तुम्हें ज़रूर ही काफ़ी बुरा लग रहा होगा, देखो सिचुएशंस क्या है। हर दिन हम खुद से
कहते रहते हैं कि हमारे पास बहुत टाइम है ना स्टूडेंट। हम कहते हैं कि आज नहीं कल पढ़ लेंगे, कल करेंगे, अभी तो बहुत टाइम है ना। हर दिन हम खुद से कहते रहते हैं कि अरे मेरे पास बहुत टाइम है, मैं इसे कल सीख लूँगा। और अब तुम समझ गए हो कि हम कहाँ आ पहुँचे हैं। ओह, अल्सेस के साथ ये बहुत बड़ी मुसीबत है। यहाँ के लोग सीखने का काम आने वाले कल पर छोड़ देते हैं। अब वहाँ बाहर बैठे लोग तुमसे ऐसा कहने की हिम्मत और अधिकार रखते हैं। क्या बात है, तुम फ्रेंच हो ना, नाटक करते हो, और फिर भी तुम अपनी लैंग्वेज ना ही बोल सकते हो और ना ही लिख सकते हो। लेकिन लिटिल फ्रेंच, तुम सबसे बुरे नहीं हो। तुम सबके पास, हम सबके पास खुद को कोसने के लिए बहुत कुछ है। तुम्हारे पेरेंट्स इतने इंटरेस्टेड नहीं थे, उत्सुक नहीं थे कि तुम पढ़ो। वो तुम्हें किसी फार्म या 100 मील आरा मिल में काम करवाने पर ज़्यादा जोर डालते रहते थे। वो काम पर लगवाना बेहतर समझते थे ताकि आप लोगों को थोड़ा सा पैसा मिल सके। और मैं भी गुनहगार हूँ। क्या मैं तुम्हें कई बार तुम्हारे लेसन याद करने के बजाय तुम्हें मेरे फूलों को पानी देने के लिए नहीं भेज रहा था? और जब मैं मछलियाँ पकड़ने के लिए जाना चाहता था तो क्या मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दे दिया करता था? फिर एक बात के बाद दूसरी बात करते हुए मिस्टर हैमल की लैंग्वेज, वो लैंग्वेज की बातें करने लगे, ये कहते हुए कि ये संसार में सबसे सुंदर भाषा है, सबसे स्पष्ट, सबसे लॉजिकल, तर्कपूर्ण। और ये कि हमें इसे अपने अंदर, इस फ्रेंच लैंग्वेज को अंदर संभाल कर रखना चाहिए, इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि जब कुछ लोग स्लेव यानी कि गुलाम बना दिए जाते हैं, तो जब तक वो अपनी भाषा, अपनी लैंग्वेज को अपनाए रखते हैं, तो ये ऐसा होता है कि मानो उनके पास अपने जेल की, अपने प्रिजन की चाबी हो। फिर मिस्टर हैमल ने ग्रामर की बुक खोली और हमें हमारा लेसन पढ़कर सुनाया गया कि मुझे ये इतनी अच्छी तरह से समझ में आ गया था जितनी बात उन्होंने कही, बहुत ही आसानी से, बहुत ही क्लियरली समझ में आ गई। ऐसा भी समझता हूँ कि मैं इतना ध्यानपूर्वक, इतने इंटेंशनली, बहुत ही ध्यानपूर्वक, हाँ अटेंशन के साथ मैंने कभी नहीं सुना था लेसन को, क्लास में कभी ध्यान ही नहीं दिया था। और ये भी कि उन्होंने हर चीज़ इतनी पेशेंस से कभी नहीं समझाई थी जिस दिन वो अब सुना रहे थे। लगभग ऐसा लग रहा था कि वो बेचारा आदमी जाने से पहले हमें वो सब बातें सिखा जाना चाहता था जिन्हें वो जानता था, और एक ही कोशिश में वो सब हमारे दिमाग में डाल जाना चाहता था। ग्रामर के बाद हमें राइटिंग का एक लेसन करवाया गया। उस दिन मिस्टर हैमल के पास हमारे लिए न्यू कॉपीज थी जिनमें बड़ी बड़ी मोटी मोटी राइटिंग में लिखाई में लिखा हुआ था, फ्रेंड्स एल्सेस, फ्रेंड्स एल्सेस, छोटी छोटी फ्लैग्स की जैसे लग रही थी, और क्लास में, कमरे में, सभी जगह पर वो फहरा रही थी, छोटी छोटी फ्रेंड्स की फ्लैग्स। हमारी डेस्क के ऊपर छड़ी से लटकी हुई थी। काश आप देख सकते कि किस तरह प्रत्येक, हर एक लोग अपने काम में लग गया और वहाँ इतनी शांति थी। एक ही आवाज़ आ रही थी, कागज़ के ऊपर पेन के लिखने की आवाज़। एक बार कुछ बीटल्स, जो इंसेक्ट होते हैं, बीटल्स, पतंगे बोलते हैं ना वैसे, वो काइट नहीं, बीटल्स, एक इंसेक्ट, वो उड़कर अंदर आ गई। लेकिन किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया, सबसे छोटे बच्चे ने भी नहीं दिया, जो अपने अपने मछली काटे ट्रेस करके बनाने में जुटे हुए थे, मानो वो भी फ्रेंच लैंग्वेज ही हो। रूफ यानी कि छत के ऊपर कबूतर बहुत धीमी आवाज़ में गुटुर गुटुर कर रहे थे। और मैंने अपने मन में सोचा, क्या वो उन्हें जर्मन भाषा में गवाएंगे, कबूतर को भी? हाँ, जब कभी मैं अपने लिखने के काम से नज़र ऊपर को उठाता, मैं मिस्टर हैमल को अपनी कुर्सी में मोशनलेस
यानी कि बिल्कुल ऐसे ही स्टिल शांत बैठे हुए देखता, और कभी वो एक चीज़ को टकटकी लगाते हुए देखते और कभी किसी दूसरी चीज़ को, मानो वो अपने मन में अपने दिमाग में बांध कर रखने चाहते हैं, ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में फिक्स कर देना चाहते हैं। उस छोटी सी स्कूल के कमरे में हर चीज़ बिल्कुल कैसी लगती थी, जरा सोचिए। 40 सालों से वो उसी जगह में रह रहे थे। खिड़की से बाहर की तरफ उनका गार्डन और उसके सामने ही उनकी क्लास, बिल्कुल वैसे ही, सिर्फ डेस्क और बेंच घिस घिस कर चिकने मुलायम हो गए थे। गार्डन में वॉलनट यानी कि अखरोट के पेड़ पहले से ऊंचे हो गए थे, और फूलदार बेल यानी कि जो क्रीपर होती है जो उन्होंने खुद लगाई थी, वो खिड़कियों के आसपास बलखाती हुई अब छत तक यानी कि रूफ तक पहुंच गई थी, इतनी बड़ी हो गई थी। इन सब को छोड़कर जाने से उनका दिल कैसे टूटा होगा, बेचारा आदमी। अपनी इधर उधर चलने की आवाज़ सुनकर जो ऊपर वाले कमरे में अपने ट्रंक्स को, अपनी अपनी बहन की आवाज़, उसकी सिस्टर थी जो ऊपर, ट्रंक्स यानी कि एक बड़ी सी बैग जो होती है मेटल की, वो पैक कर रही थी क्योंकि उन्हें अगले ही दिन इस देश को छोड़कर चले जाना था। लेकिन उसमें हर एक लेसन को एंड तक सुनाने की हिम्मत थी, साहस था। राइटिंग के बाद हमें हिस्ट्री के एक लेसन पढ़ाया गया, और फिर बच्चों ने अपना बाबे बू बाबू, हाँ वो वाला गाना सुनाया। कमरे के एंड में, जो लास्ट में पीछे की तरह, बूढ़े हाउसर ने अपने स्पेक्टिकल्स पहन ली और अपने कायदे को दोनों हाथों में पकड़े हुए उनके साथ मिलकर वर्ड्स को स्पेल कर रहा था। आप देख सकते हैं कि वो भी रो रहा था, उसकी आवाज़ भावुक होने के कारण कांप रही थी, और उसकी आवाज़ सुनने से ऐसा अजीब लग रहा था कि हम सब हंसना और रोना चाहते थे। वो मुझे कितनी अच्छी तरह से याद है, वो लास्ट लेसन। घड़ी में 12 बजे की आवाज़ सुनाई थी, और इसके बाद दोपहर के समय पर्शियन सोल्जर्स के ट्रम्पेट की आवाज़ हमारी खिड़कियों के नीचे की तरफ सुनाई थी, जो ड्रिल से वापस आ रहे थे। मिस्टर हैमल जो पीले पड़े हुए थे, बिल्कुल शांत, बिल्कुल उदास, अपनी कुर्सी से उठकर खड़े हो गए। मैंने कभी उन्हें इतना लंबा प्रतीत होते नहीं देखा था, ऐसा कभी नहीं लगा था वो इतने लंबे हैं जिस दिन वो लग रहे थे। फिर उन्होंने, मिस्टर हैमल ने कहा, माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, जैसे मोदी जी कहते हैं ना, मेरे प्यारे देशवासियों, वैसे मैं लेकिन वो किसी बात से उनका गला रुक गया और वो अपनी बात कंटिन्यू जारी नहीं रख पाए। फिर उन्होंने ब्लैक बोर्ड की तरफ मुंह किया, चॉक का एक टुकड़ा लिया और अपनी पूरी ताकत से, पूरी शक्ति से, उन्होंने जितना बड़ा बड़ा, बड़े बड़े राइटिंग में वो लिख सकते थे, उन्होंने लिख दिया। क्या लिखा? विवेला फ्रांस, ये फ्रेंच लैंग्वेज है, जिसका मतलब होता है लीव लॉन्ग फ्रांस, चीरकाल तक जीवित रहो फ्रांस, फ्रांस तुम्हारी जय हो। फिर वो रुके और अपना सिर दीवार के साथ उन्होंने टिका दिया, और बिना एक भी वर्ड बोले उसने एक हाथ से हमारे तरफ इशारा किया। स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो, स्कूल का टाइम खत्म हुआ स्टूडेंट, अब आप जा सकते हैं। सो स्टूडेंट, ये था आपका चैप्टर, है ना कमाल का? और वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिए कि आपके बेहतरीन, आपके फेवरेट टीचर का नाम और उससे आपका रिलेशन, है ना? और आज ही आपके टीचर को फ़ोन कीजिए और अपनी रिस्पेक्ट दिखाइए, है ना? थैंक यू सो मच।